जल्दी से बताओ बेटा, जो भी अपने पास में क्वेश्चंस मिले वो हुए या नहीं हुए? डीपीपी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया क्या? यस सर, आपने वो डीपीपी सेंड करी थी ना ट्रिग्नोमेट्री की? हाँ वही तो, जो डीपीपी नंबर वन जो सेंड किया था वो हो गया क्या? उसके सारे यस क्वेश्चंस, सर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है बेटा? ओके चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो अपन ने चेक कर लिया था, ओके ओके, तो अपन ने चेक किया था बेटा कि अपन लोगों ने सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री में अब तक क्या क्या पढ़ लिया। अपन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि एक तो जो अपनी बेसिक बेसिक जो आइडेंटिटीज होती है कि साइन थीटा अपना क्या होता है, वन अपॉन कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है अपना वन हो जाता है, टेन थीटा क्या होता है वन अपॉन क्या हो जाता है कोट थीटा हो जाता है। हरी बात समझ में? ये सब बेसिक बेसिक आइडेंटिटी, जैसे साइंस का थीटा प्लस कोस का थीटा कितना हो जाता है वन हो जाता है, सिमिलर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है वन हो जाता है। तो ये अपन ने बेसिक बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी। फिर उसके बाद अपन ने देखा कि साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन नाइनटी डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना। तो ये सारी वैल्यूज अपन ने चेक की, ठीक है ना, फिगर आउट किया अपन ने कि इनकी वैल्यूज क्या है। तो जैसा कि अपन ने टेंथ क्लास में देखा था कि टेंथ क्लास में अपने को किसी ने बताया कि देखिए भाई साहब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है जिसको याद करना रहता है, और उसमें तुम्हें ये बताया था कि देखिए भाई साहब यहाँ पे अपने पास में क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है ना, साइन कॉस टेन कोसेक कोसेक ऐसे लिख दिया उसने, जिसने भी लिखा होगा जैसे टेबल ऐसे तो बताई होगी तुम लोगों को कि देखो भाई यहाँ पे तुम्हें मैजिक बताते हैं, इसको याद रखने का तरीका बताते हैं, है ना। तो याद रखने का तरीका तुम्हें किस टाइम से बताया होगा किसी ने भी, उसने बोला होगा कि यहाँ पे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं साइन कॉस टेन, है ना, इस टाइप से लिखा उसने साइन कॉस टेन, है ना, ये हो गया कॉट और ये हो गया अपने पास सेक और ये हो गया अपने पास कोसेक, ओके। यहाँ पे उसने लिखा होगा जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री, सिक्सटी डिग्री एंड नाइनटी डिग्री। फिर उसने बोला होगा कि बस ये फर्स्ट वाली ये जो एक लाइन है ये तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो ये वाली एक लाइन याद रखनी पड़ेगी, और इसमें जैसे साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना जीरो, थर्टी डिग्री का वैल्यू कितना वन बाय टू, फोर्टी फाइव डिग्री का वैल्यू कितना वन बाय रूट टू, सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना रूट थ्री बाय टू, और नाइनटी डिग्री का वैल्यू कितना वन। फिर किसी ने बोला होगा कि इसका क्या कर देंगे अपन, रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे अपन, ठीक है ना। देखिए भाई इसका उल्टा करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा जीरो डिग्री का वैल्यू वन, थर्टी डिग्री का वैल्यू ये आ जाएगा रूट थ्री बाय टू, इसका वैल्यू वन बाय रूट टू हो जाएगा, इसका वैल्यू वन बाय टू हो जाएगा, और नाइनटी डिग्री का वैल्यू जीरो हो जाएगा। फिर उसने बोला होगा कि टेन थीटा बताना है, तो अपन अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा जो होता है वो अपना क्या होता है साइन थीटा अपॉन क्या हो जाता है भाई कॉस थीटा, दैट मींस साइन टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब ये जो भी वैल्यूज है इन सब का क्या लिखेंगे अपन, डिवीजन ही तो क्या हो जाएगा टेन थीटा हो जाएगा बेटा, तो इनका डिवीजन करोगे तो जीरो अपॉन वन कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वन बाय टू अपॉन रूट थ्री बाय टू करोगे तो ये वन अपॉन रूट थ्री के इक्वल आ जाएगा, वन बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू दैट इज वन, रूट थ्री बाय टू अपॉन वन बाय टू, टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो रह जाएगा थ्री, वन अपॉन जीरो। जब भी डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो कंसिडर हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, जिसको अपन क्या नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट बोलते हैं। क्लियर है बेटा ये वाली बात याद है? यस सर। ओके फिर अपन बोल देते हैं कि कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है भाई साहब, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा रूट थ्री, ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा वन बाय रूट थ्री, और ये हो जाएगा क्या अपने पास जीरो। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक सबको अच्छे से? ओके फिर उसके बाद अपन बात करेंगे सेक थीटा की। अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा, वन अपॉन कॉस थीटा ही तो होता है सेक थीटा अपना। ओके तो सेक थीटा के लिए अपन क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, वन का रेसिप्रोकल वन अपॉन वन दैट इज वन, वन अपॉन रूट थ्री बाय टू तो ये उल्टा हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री आ जाएगा, वन अपॉन रूट टू इसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा रूट टू आ जाएगा, वन बाय टू का रेसिप्रोकल करोगे तो टू आ जाएगा, और जीरो का रेसिप्रोकल वन अपॉन जीरो दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। क्लियर बेटा ये वाली बात? और कोसेक क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा।
इनफाइनाइट हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये रूट टू हो जाएगा, ये टू अपॉन रूट थ्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अपना ऑब्वियसली वन हो जाएगा। ये इस टाइप से तुम लोगों को क्या बताई होगी, किसी ने भी अगर टेबल बताई है कि ये टेबल है, ये इस टाइप से इस टेबल को बनाने का तरीका है और इस टेबल की जितनी वैल्यूज है उन सबको याद रखें। लेकिन वहां पे किसी ने भी अपन ने ये वाला क्वेश्चन रेज नहीं किया कि ये जीरो डिग्री जीरो क्यों हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू वन बाय रूट वन बाय टू क्यों हुआ, 45 डिग्री वन अपॉन रूट टू क्यों हुआ, 60 डिग्री रूट थ्री बाय टू क्यों हुआ, है ना, और 90 डिग्री जो है उसका वैल्यू वन क्यों हुआ, ठीक है ना। तो अब जो भी इससे पहले वाला जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपन ने क्या देखा, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो क्यों हुआ ये अपन ने चेक किया था, कॉस जो जीरो डिग्री है वो वन क्यों हुआ, 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट किया था और 60 डिग्री का फाइंड आउट किया और 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट किया कि इसका वैल्यू जो है एक्चुअल में जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, 30 डिग्री का वैल्यू वन बाय टू, 60 डिग्री का वैल्यू रूट थ्री बाय टू और 90 डिग्री का वैल्यू वन ही क्यों हुआ। आ रही बात समझ में, ये अपन ने सॉल्व किया। तो वहां तक आया अच्छे समझ में, किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो बेटा। नो सर। कोई डाउट नहीं है किसी को वहां तक? नो सर। ओके चलिए, तो फटाफट से ये वाले जो टेबल है ये नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो याद तो रखनी पड़ेगी ना, तो ये फटाफट से नोट डाउन करो। ऐसे भी याद रख सकते क्या नोट डाउन बेटा? अब अपन देखने वाले हैं कि 45 डिग्री का वैल्यू जो है वो कैसे कैसे हुआ, 45 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड आउट। तो देखिए बेटा, आपने को अच्छे से बताया अपन ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, अपन ने क्या किया एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल एट बी ए बी सी, ये कोई भी अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बनाया अपन ने, है ना, और ये वाला जो भी एंगल है इसको ले लिया अपन ने कितना 45 डिग्री लिया। तो ये वाला एंगल अगर 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास 45 डिग्री हो गया बेटा जी। यस सर। चलिए भाई, अगर मैं ये जो भी एसी लेंथ है, ये जो भी AC लेंथ है, इस लेंथ को एक बार के लिए मैं क्या बोल दूं, अगर मैंने इस लेंथ को बोल दिया R, इस लेंथ को अपन ने क्या बोल दिया, अगर R बोल दिया, तो मुझे यहाँ पे अच्छे से पता है कि ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है, तो ये जो भी ट्राइंगल ABC है वो कैसा ट्राइंगल हो गया बेटा अपने पास, राइट एंगल आइसोसेलस, आइसोसेलस हो जाएगा बेटा जी, राइट एंगल और आइसोसेलस हो जाएगा। तो इसका मतलब उसमें फिर अपन क्या बोलेंगे, बीसी और ए बी दोनों कैसे हो जाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी
ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये आइसोसेलस ट्राइंगल बन रहा है ना, तो आइसोसेलस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो भी साइड्स है वो कैसी हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स जो होती है वो हमेशा कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है, क्लियर है वाली बात? ए बी और बी सी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, चलिए अच्छी बात है भाई साहब, ये तो इसका मतलब ए बी और बी सी दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ओके। एंड इसमें पाइथागोरस थ्योरम से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, ए सी स्क्वायर जो है ये इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर, क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर, यस सर। AC का वैल्यू कितना बेटा r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB और BC दोनों इक्वल है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी AB स्क्वायर हो जाएगा, ये भी AB स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है बेटा वाली बात? यस सर, यस। तो यहां से AB स्क्वायर इक्वल आ जाएगा किसके बेटा, AB स्क्वायर इक्वल आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा, उसे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ से जो भी AB का वैल्यू आया बेटा अपने पास, यहाँ से AB का वैल्यू आया वो कितना आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर अपॉन टू आ जाएगा बेटा, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा आर, और टू का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा रूट टू, क्लियर हुआ यहाँ तक बेटा अच्छे से? यस सर, ओके। इसका मतलब BC लेंथ और AB लेंथ दोनों कितनी हो गई, R अपॉन रूट टू, और ये भी कितना हो जाएगा R अपॉन रूट टू, यहां से अपने पास AB और BC दोनों इक्वल आए, और वो इक्वल आए किसके, R अपॉन रूट टू, क्लियर हुआ यहां तक सबको अच्छे से? यस सर। अब अपने अब अपन फाइंड आउट कर रहे हैं साइन ऑफ दिस एंगल 45, तो अपने को पता है कि जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें साइन 45, साइन ऑफ एनी एंगल जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट साइड, जो कि क्या होता है ना परपेंडिकुलर, हरी बात समझ में, लंब बटा क्या हो जाएगा अपना कर्ण, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, तो ये जाएगा आर अपॉन रूट टू इज डिवाइडेड बाय आर, क्लियर है बेटा ये वाली बात? ओके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, वन बाय रूट टू के इक्वल आ जाएगा, सो द साइन 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा किसके, वन बाय रूट टू, इसीलिए साइन 45 डिग्री का वैल्यू अपन बोल देते हैं किसके इक्वल आएगा, 1 by root 2 के इक्वल आएगा। सिमिलर cos 45 डिग्री की अगर वैल्यू की अपन बात करें, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस यहां पे कितना बेटा r by root 2 इज डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यहां पे कितना बेटा r, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 1 by root 2 के इक्वल आ जाएगा, दैट मींस cos ऑफ 45 डिग्री की अगर अपन बात करेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा भाई, अरे बोलो बेटा, 1 by root 2, 1 by root 2 आ जाएगा, 1 by root 2। ओके, tan 45 डिग्री की वैल्यू की अगर अपन बात करें, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा बेटा, r by root 2 is divided by r by root 2, तो ये कितना आ जाएगा, that is why tan 45 is equals to 1, बाकी सब भी फाइंड आउट कर ही सकते हैं, आया क्या बेटा अच्छे से समझ में? यस सर, यस सर, ओके, जल्दी से नोट डाउन करो बेटा,
ओके नोट डाउन बेटा. यस सर. यस सर. उसके बाद हेडिंग डालिए रिडक्शन फॉर्मूला. रिडक्शन फॉर्मूला कि अब तक जो भी अपन बातचीत कर रहे थे वो कौन से एंगल तक अपन बात कर रहे थे, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, है ना. अब तक जो भी अपन 10th क्लास के लेवल तक तुम लोगों ने बात की थी वो कहां तक लिमिटेड थी अपने पास, 90 डिग्री तक लिमिटेड था. अब अपन बात कर रहे हैं कि 90 डिग्री क्या एंगल चाहे कुछ भी गिवन हो अपने पास अपन उसके बारे में बातचीत कर सकते हैं, ठीक है ना. तो उसके बारे में अपन पढ़ना चाहेंगे कि जो भी अपने पास में कोई बहुत बड़ा एंगल दे रखा हो उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करके उसको अपन क्या कर सकते हैं, छोटे एंगल में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो उनके कन्वर्जन का, उनके रिडक्शन का क्या मेथड रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में अपन बात करेंगे. क्लियर है बेटा ये? यस सर. तो वो रिडक्शन अपन किस किस टाइप से करेंगे, उस रिडक्शन के बारे में अपन बातचीत कर रहे हैं. तो देखिए बेटा, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो जब भी अपने पास दो परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ पोर्शन कितने बनेंगे, अपने पास में 4 पोर्शन बनेंगे जिनको अपन 4 क्वाड्रेंट्स बोलेंगे, उनको अपन क्वाड्रेंट्स बोलेंगे बेटा. यस सर. यस सर. ओके. तो देखिए भाई, अपने पास में ये 4 क्वाड्रेंट्स रहेंगे, है ना. दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट अपर पोर्शन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये अपना क्या हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ये अपना क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये अपना क्या हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है बेटा ये वाली बात? अरे बोलो बेटा. yes, ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है अपना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या हो जाएगा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर है वाली बात? ओके. नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि ये तो चलो अच्छी बात है, मुझे ये बता दो तुम लोग कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? पॉजिटिव. ऑल आर पॉजिटिव. यस सर. ओके. सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन से होते हैं बेटा? साइन एंड कोसेक. साइन एंड कोसेक. एंड कोसेक आर पॉजिटिव. ओके. थर्ड में टेन और कॉट. टेन और कॉट. टेन एंड कॉट. ओके. और फोर्थ की अगर अपन बात करें कॉस एंड सेक. कॉस एंड सेक या कॉस एंड सेक बोल दो, वो तो यही बात है. कॉस एंड सेक. अब अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई साहब इसमें सारे के सारे पॉजिटिव ही क्यों हुए बेटा, क्योंकि तो 90 डिग्री से कम में सभी की वैल्यू पॉजिटिव रहती है. बेटा सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से कम एंगल होंगे तो वो पॉजिटिव रहते हैं. 90 डिग्री से नहीं, 90 डिग्री तक, ये तो मान ली बात की 90 डिग्री तक होंगे, लेकिन 90 डिग्री तक पॉजिटिव ही क्यों हुआ, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? अब सेकंड क्वाड्रेंट पे अपन कह रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन और कोसाइन की पॉजिटिव क्यों हुआ, बाकी सारे नेगेटिव क्यों हो गए? थर्ड क्वाड्रेंट की अगर अपन बात करें तो टेन और कोट ही पॉजिटिव क्यों हुआ, बाकी सारे नेगेटिव क्यों हो गए? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस और सेक में ऐसा क्या हुआ होगा कि पॉजिटिव बन गए बाकी सारे नेगेटिव बन गए, ऐसा क्या हुआ होगा, क्या रीजन है इसके पीछे, किसी को कोई भी आइडिया, एनी आइडिया?
बोलो बेटा। अरे किसी को पता है तो फटाफट से बताओ, नहीं तो बताएं कि ऐसा क्यों हुआ। आप ही बता दो सर। ओके चलिए देख लेते भाई। देखो बेटा अगर अपन बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की, अगर अपन बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अपन ने कोई भी एंगल लिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट मान लो यहाँ के हैं, तो एंगल अपने पास ये वाला बनेगा एंगल थीटा, और राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये तो बना राइट एंगल ट्राइंगल बेटा। ओके ये वाली लेंथ कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी। यस सर। ये वाली लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि y एक्सिस ऊपर की तरफ अगर अपन बैठेंगे, x एक्सिस के अबाउ जो y एक्सिस होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। y एक्सिस के राइट साइड में जो भी x होता है वो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस की अगर अपन बात करें तो वो ऑलवेज ही कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये क्या होगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। कोई भी चाहे इसका साइन, इस एंगल का साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक कुछ भी लोगे तो वो ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ही तो आएगा बेटा। और पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी ही तो होगी। यस और नो? यस सर। यस सर। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपन बढ़ेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी बनेगा, ये एंगल आ गया अपने पास थीटा, ये एंगल आ गया अपने पास थीटा, ये कैसा हो गया पॉजिटिव और ये कैसा हो गया बेटा नेगेटिव। y-axis के इधर x जो होगा वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज ही कैसा होगा, पॉजिटिव ही तो होगा बेटा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में अपने पास में हो जाएगा कि जो भी अपने पास जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस आ जाता है, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बेस इंक्लूड हो जाता है वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक नेगेटिव कंसीडर हो जाएगा उसमें और दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, इसका मतलब ओवरऑल क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो देखिए जरा, जो भी अपना साइन और कोसेक होता है, साइन और कोसेक में ओनली परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा, बाकी सब में क्या आएगा, बेस कंसीडर होगा, एक बेस होगा और दूसरा या तो हाइपोटेनस होगा या फिर परपेंडिकुलर होगा, तो उन दोनों ही केस में कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव बच जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में अगर अपन चले जाएं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एंगल जो होगा अपना, एंगल ये वाला हो जाएगा अपना थीटा, ये वाई कैसा हो गया नेगेटिव, एक्स भी कैसा हो गया नेगेटिव, तो यहाँ पे हाइपोटेनस तो पाइथागोरस लगा करके हाइपोटेनस फाइंड आउट करोगे तो वो तक कैसा आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा। तो देखिए बेटा इस केस में, इस केस में जिसमें बेस और परपेंडिकुलर यूज में आता है, बेस और परपेंडिकुलर यूज में आएगा, उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, उस केस में नेगेटिव अपॉन नेगेटिव हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों किस में आते हैं, टेन और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव हो जाते हैं। सिमिलर अपन इस क्वाड्रेंट में कह सकते हैं, सिमिलर इस क्वाड्रेंट में ये तो कैसा हुआ, ये वाली लेंथ तो कैसी हो जाएगी पॉजिटिव और ये वाली कैसी हो जाएगी नेगेटिव, क्योंकि वाई जो है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है और ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव। क्लियर हुआ बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके थर्ड अपन देखते हैं इसमें कि ये वाला जो भी लाइन है ये कैसा है बेटा, जीरो डिग्री है अपना, ये लाइन कैसा है जीरो डिग्री है, यही से स्टार्ट करेंगे अपन। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव क्यों हुई बेटा, हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज जो भी लेंथ अपन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहां पे अपन ऐसा ही तो फाइंड आउट करेंगे कि AB square is equals to, या AC square जो भी राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, AC square is equals to AB square and plus क्या हो जाएगा BC square, तो यहां से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करेंगे तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव ही तो आएगा बेटा। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके चलिए ये हो गया अपने पास में क्या, जीरो डिग्री, ठीक है भाई। नेक्स्ट ये वाली लाइन कौन सी है अपनी, दैट इज 90 डिग्री, ये हो जाएगा अपने पास कितना बेटा, ये लाइन क्या हो जाएगा अपना 180 डिग्री हो जाएगा बेटा, और ये लाइन अपना क्या हो जाएगा 270 डिग्री, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90। नेक्स्ट ये फिर से क्या हो जाएगा,
360 डिग्री है ना, प्लस 90 स्टेप्स अपन क्या करते जाएंगे इसमें, प्लस करते जाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा? यस सर। नेक्स्ट फर्दर अपन बात करेंगे कि अगर अपने पास में कभी भी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा जीरो प्लस थीटा, जीरो डिग्री के अंदर अगर अपन ने कुछ एंगल ऐड किया है, जीरो डिग्री के अंदर अपन ने क्या किया, कुछ एंगल अगर ऐड किया है, तो वो क्या क्या कौन सा क्वाड्रेंट बोलूंगा मैं? अगर जीरो डिग्री प्लस अगर कुछ थीटा हुआ है, तो इसका मतलब वो मैं कौन सा क्वाड्रेंट समझूंगा, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सिमिलर अगर अपने पास 90 डिग्री माइनस अगर थीटा लिखा हुआ है, तो मैं कौन सा क्वाड्रेंट समझूंगा कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा हूँ? 90 में से कुछ भी एंगल, जस्ट जैसे कुछ भी एंगल सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा बेटा। ओके, सिमिलर ये क्या हो जाएगा अपना 90 प्लस थीटा हो जाएगा, सिमिलर ये क्या हो जाएगा 180 में से माइनस कुछ थीटा हो रहा है, सिमिलर ये क्या हो जाएगा बेटा 180 प्लस थीटा, ये क्या हो रहा है अपने पास 270 माइनस थीटा, ये क्या हो रहा है अपने पास 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा, सिमिलर ये क्या हो, सॉरी माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा फिर से 360 प्लस थीटा। तो इस टाइप से सिचुएशन है। तो अगर कोई भी एंगल है वो मतलब 90 में प्लस माइनस या 180 में प्लस माइनस हो रहा है, तो जस्ट वो माइनस होते ही जस्ट कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है उसके बारे में अपन सोचेंगे हमेशा। तो ये जल्दी से नोट डाउन करो बेटा फटाफट। सर कोई एंगल 180 हुआ तो फिर सर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ओके बेटा नोट डाउन। सर अगर कोई एंगल 180 हुआ तो फिर सर वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? वो क्वाड्रेंट में नहीं होगा बेटा, वो तो फिर 180 या 90 या 270 या फिर ये जो होंगे तो वो तो ऑन एक्स एक्सिस या ऑन वाई एक्सिस ही हो जाएंगे बेटा, है ना, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। फिर उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव जो है साइन कोसाइन वगैरह ये कैसे होंगे? नहीं उसकी तो एग्जैक्ट वैल्यू ही आ जाएगी ना बेटा उसके अंदर, जैसे तुम्हें ये बता रहा हूँ ना, जैसे अगर 180 डिग्री लिखा हुआ है तो इस 180 डिग्री को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 180 को मैं लिख सकता हूँ 270 माइनस 90 डिग्री भी को लिख सकता हूँ। तो इसको अपन मतलब ये जो भी तुम्हें बता दिया ना कि जो भी एंगल या तो प्लस या फिर माइनस की फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं, तो इसमें फिर अगर 90 प्लस 90 किया अपन ने तो उस पर 90 प्लस 90 का रूल लग जाएगा, 90 प्लस थीटा का रूल लग जाएगा। और अगर अपन ने उसको 180 को अपन ने क्या लिख दिया 270 माइनस 90 लिखा तो इसमें कौन सा रूल लग जाएगा, 270 माइनस थीटा का रूल लग जाएगा। तो दोनों ही क्या आएंगे, बिल्कुल करेक्ट आएंगे, सेम आएंगे। ओके okay? नहीं क्या हो बेटा, आया ना समझ में ये? यस सर। ओके बढ़िया गया बेटा, ये रूल्स अब इसमें कैसे कैसे रूल्स बनाएंगे अपन वो देख लेते हैं। सर जीरो माइनस थीटा क्या हुआ? जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ, जीरो डिग्री था उसमें से कुछ माइनस थीटा किया तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना? ओके सर। ओके नोट डाउन बेटा ये। यस सर। ओके अब देखिए बेटा, जब भी अपने पास एंगल गिवन होगा तो इस टाइप से गिवन होगा, कोई भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो सकता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी हो सकता है ना, और उसमें अपने पास में यहाँ पे लिखा होगा 90 डिग्री इंटू समथिंग कुछ n, 90 डिग्री का कुछ भी इंटीजर मल्टीपल है ना, इंटीग्रल मल्टीपल होगा कुछ भी,
एंड उसमें हो रहा होगा यहाँ पे प्लस माइनस कुछ थीटा,